तस्वीरें फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर की है। बता दें कि बल्लभगढ़ के आदर्श कॉलोनी की रहने वाली एक महिला अपने कुछ समर्थकों के साथ पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंची और वहां उसने एक शिकायत दी, जिसमें महिला ने कहा कि उसके पति ने अपनी गाड़ी पर एक ड्राइवर रखा हुआ था, जिसे किसी मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार ड्राइवर ने उनके पति पर झूठे आरोप लगाते हुए उनका नाम लिया है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच सेक्टर 85 उनके घर बार बार आकर उनके पति से पूछताछ करने के बहाने उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रही है। उसने कहा उनका पति निर्दोष है। इतना ही नहीं, महिला ने आरोप लगाया कि क्राइम ब्रांच उनके पति को इस केस में निकालने के लिए सेटलमेंट करने के लिए 2 लाख रुपए की डिमांड कर रही है और ऐसा नहीं करने पर वो उनके पति को जबरन उठाकर एनकाउंटर करने की धमकी दे रही है। महिला के मुताबिक उसका पति निर्दोष है, इसलिए वो आज सीपी कार्यालय पहुंचे ताकि इस केस की उचित जांच की जाए। जी, मामला ये है, जो राधे उर्फ टिंकू जो है वो हमारे ड्राइवर थे गाड़ी के, और मेरे हस्बैंड का 5 ऑपरेशन हो चुके हैं आंखों के, तो इस वजह से हमने उनका अपने हाथ ड्राइवर नौकरी पर रखा हुआ था, वो हमारे काम करते थे। अब उनके भाई का कोई मैटर था तो उसमें उन्होंने मेरे जो हस्बैंड थे उनको अग्नोन कर दिया है कि भाई वो भी उसमें मिले हुए हैं, और जबकि मेरे हस्बैंड का इसमें कोई हाथ नहीं है। और मेरे पे ज़बरदस्ती प्रेशर डाला जाता है, 2 दिन से मेरे को परेशान करे जा रहा है कि भाई मतलब ले दे के बात ख़त्म करवा दो, और उनको ज़बरदस्ती मतलब मेरे से फ़ोन करवाए जाते हैं कि इसमें कि आपने पूछो कि आपका आदमी पकड़ा है तो कहाँ है वो, और उनसे ये कहो कि हम यहाँ पर नहीं आए हैं, और ज़बरदस्ती लेन देन की, और उनको कहते हैं कि ज़बरदस्ती मतलब बुलाओ नहीं तो हम उनको रिमाइंड लेंगे, और उनको जैसे उनको केस में फंसाया ऐसे उनको फंसाएंगे, और अच्छा इसमें कि अपना मतलब हमें। वहीं इस मामले में जब एसीपी धारणा यादव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि महिला ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में एक शिकायत दी है, लेकिन उस महिला का पति एक मामले में नामजद आरोपी है। उसके कुछ साथियों पर अवैध हथियार रखने के आरोप है, जिनसे 2 हथियार बरामद भी हो चुके हैं। कुछ हथियारों की बरामदगी करनी बाकी है, इसलिए क्राइम ब्रांच की टीम उनके घर जा रही है। युवक नामजद आरोपी है, इसलिए पुलिस तफ्तीश के लिए उसके घर बार बार जा रही है। एक महिला ने सीपी ऑफिस में शिकायत दी कि सेक्टर 85 CIA से कुछ लोग जाके घर पर परेशान कर रहे हैं, इसमें पूछताछ की जा रही है, और CIA की टीम बिल्कुल इसके घर पर गई थी। ये जो महिला है इसके पति के खिलाफ एक मुकदमे में ये नामजद आरोपी है, और इन्फॉर्मेशन है कि ये अवैध शराब का, ड्रग्स का और इल्लीगल वेपन रखने का भी ये काम करते हैं। 7 इल्लीगल वेपन आए थे फरीदाबाद में बाहर से, जो कि एक्सटॉर्शन और बाकी क्राइम को इस्तेमाल में किए जाने थे, जिनमें से एक मुकदमे में 2 वेपन पुलिस बरामद कर चुकी है और इसके एक साथी को अरेस्ट भी कर चुकी है। ये जो इस महिला का पति है, ये अपने 3-4 इन लड़कों का जो ग्रुप है, जो इल्लीगल वेपन का जो धंधा करते हैं, ड्रग्स का धंधा करते हैं, ये उनका हेड है, और ये उस दिन घर पर नहीं मिला। CIA टीम गई थी इसके हस्बैंड से पूछताछ करने के लिए और पता करने के लिए कि बाकी वेपन्स कहाँ पे छुपा के रखे हैं। उस गिरफ्तारी से बचने के लिए जानबूझकर ये अपने परिवार को भगा रहे हैं और पुलिस को गुमराह करने के लिए, नाजायज़ दबाव बनाने के लिए ये एप्लीकेशन दी है। सत्य खबर के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।